दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सेल में कुछ फार्मूले बताऊंगा जो बेसिक फार्मूले हैं और ये फार्मूले आपके करियर में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो फार्मूला है वो है डे का। डे का फार्मूला बेसिकली करेंट डेट में से डेट को निकाल के हमें ये बताएगा कि ये कौन सा डेट है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है डे का। आइए हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं। इक्वल टू डी ए वाई, डी लिखने के बाद में हम लोग टैब बटन को दबाएंगे। ये पूछ रहा है सीरियल नंबर, यानी कि वो डेट कहाँ पे है उसकी फॉर्मेट ये पूछ रहा है। ये हमारे पास में ये फॉर्मेट है, इसको हमने सिलेक्शन किया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर किया। ये बता दिया कि करेंट डेट जो है हमारा 11 है। उसके बाद में जो हमारा अगला फार्मूला है वो है डेज 360 का। डेज 360 जो फार्मूला है ये बेसिकली ज़्यादातर यूज होते हैं होटल वगैरह में। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं तो उस डेट से लेकर जब तक आप उस होटल में रहते हैं उस डेट तक का वो डेज निकाल के बताता है कि आपने उस होटल में कितने दिन तक स्टे किया। तो उसके लिए हम लोग डेज 360 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के लिए इक्वल टू देते हैं डी ए वाई एस 360। या तो आप टैब बटन को प्रेस करके आप इस फार्मूले को यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, आप पूरा टाइप कर सकते हैं। तो हमने डेज लिखा 360, ये अपने आप ले लेगा कब जब हम टैब बटन को दबाएंगे। ये ले लिया 360। अब हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट। अगर आप इसके सिंटेक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये लिख रहा है स्टार्ट डेट यानी कि कब से आपने स्टार्टिंग किया। तो 10 सितंबर से स्टार्टिंग किया, तो स्टार्ट डेट को आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद में कॉमा का यूज़ कीजिए। फिर ये पूछ रहा है कि एंड डेट यानी कि आपने उस होटल को चेकआउट कब किया। तो 2 जनवरी 2017 को चेकआउट हुआ है तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में हम एंटर की दबाएंगे। तो ये फाइनली बता रहा है कि आपने उस होटल में 112 दिन तक स्टे किया। तो ये डेज 360 का फॉर्मूला ज़्यादातर होटल्स वगैरह में यूज होते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा फॉर्मूला है डॉलर का है। अगर आप किसी वैल्यू को डॉलर में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डॉलर फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम इक्वल टू देंगे डी ओ डबल एल एल ए आर, ये अपने आप लिखा हुआ आ गया यहाँ पे नीचे। कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग करेंसी फॉर्मेट, यानी कि जिस करेंसी में आप यूज करना चाहते हैं उसे वो उस फॉर्मेट में चेंज कर देगा। तो हम क्या करेंगे, टैब बटन को दबाएंगे। ये पूछ रहा है कि नंबर, ये रहा नंबर, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की दबाएंगे। तो ये 100 को डॉलर में इसने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सिर्फ सिर्फ ये इसको टेक्स्ट को ये सिर्फ कन्वर्ट किया है, ना कि करेंसी को चेंज किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला फॉर्मूला हमारा है फाइंड का। फाइंड का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड लिख रखा है तो उसमें से किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को वो फाइंड करके आपको बताएगा उसका पोजिशन क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड फॉर्मूला का यूज करते हैं। एफ आई एन डी फाइंड, ब्रैकेट को ओपन किया, लिख रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड टेक्स्ट, यानी कि आप क्या खोजना चाहते हैं। तो हम जे को खोजना चाहते हैं, कॉमा देंगे। पूछ रहा है कि विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से आप उसको ढूंढना चाहते हैं। तो हम इसको हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की दबाएंगे। तो ये बता रहा है कि ये जो जे है इसका पोजीशन 9 है। एक बार हम काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जे जो है इस टोटली जितने हमारे वहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं इसमें से इसका जो पोजीशन है 9 है। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई सेम टेक्स्ट आपने बार बार इसमें यूज़ किया हुआ है तो वो उसी टेक्स्ट को फाइंड करेगा जो पहले टेक्स्ट लिखा गया है। दोबारा से आपने बार बार टेक्स्ट लिखा है तो वो उसको फाइंड नहीं करेगा, पहले वाले को फाइंड करेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए, है ना, तो ए यहाँ पे देखिए कई बार आ रहा है, तो ये पहले वाले ए को फाइंड करेगा ना कि बाद वाले ए को फाइंड करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है फिक्स्ड का है, एफ आई एक्स ई डी फिक्स्ड। ये क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू डेसिमल में है तो डेसिमल को वो रिमूव करता है, या फिर आप डेसिमल फिक्स करना चाहते हैं कि
पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल चाहिए, 1, 2, 3 या 0 कितना चाहिए, उसको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है इक्वल टू FIXED फिक्स्ड। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए टैब बटन को दबाएंगे। पूछ रहा है कि नंबर ये है, कॉमा देंगे। पूछ रहा है डेसिमल, तो डेसिमल अगर हमें कुछ नहीं देना है तो हम 0 देंगे और हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की दबा दें। अगर हम ब्रैकेट को नहीं भी क्लोज करते हैं तो भी हमारा काम चलेगा, एंटर की दबाते हैं। ये देखिए, डेसिमल को यहाँ से हटा दिया और इसने क्या किया, इसको राउंड करके ये टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखा दी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम एक डेसिमल देना चाहते हैं तो फिर से करके देखते हैं, इक्वल टू फिक्स्ड, ब्रैकेट ओपन, नंबर ये रहा, नंबर ऑफ डेसिमल पूछ रहा है तो 1 हम देना चाहते हैं और एंटर की दबाते हैं। इसने क्या किया, ये चूंकि ये डेसिमल के बाद में 5, 6 यानी कि 50 से ऊपर है तो राउंड करके जो है वैल्यू की इसने शो कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ बेसिक फार्मूला, और अगर आप इस बेसिक फार्मूले को यूज करेंगे है ना, तो हो सकता है कि ये बहुत जगह पे ये काम आ सकता है।